एंड गाइज यहाँ पे आप सोमबैट की बसेस गिनिए, एक दो तीन, ये है चार, और वहाँ पे लास्ट में है पांच। तो देख सकते हैं सोमबैट टूर्स का भी यहाँ पे बहुत नाम है। एक्चुअली फूड इंक्लूडेड है टिकट में। ये तो जुगाड़ है, जुगाड़। आई मीन दिस इज नो लेस देन एन एयरप्लेन बिजनेस क्लास सीट, एंड जो सीट के कंट्रोल्स है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। यू हैव टू बिलीव मी गाइज, दिस इज अ बस। देवी और सज्जनों नमस्कार, थाईलैंड सीरीज़ के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ फुकेत में, और अगर आप मेरा सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अमेजिंग बस। वी आर ट्रैवलिंग टू बैंकॉक फ्रॉम फुकेट टुडे। आज मैं आपको ऐसी बस दिखाऊंगा जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा कि बस भी इतनी अमेजिंग हो सकती है। दिस इज अ टॉप क्लास बस ऑफ थाईलैंड, कह सकता हूँ कि VIP बस है। एंड जितना मैंने रिसर्च किया है, मेरे हिसाब से दिस इज दी बेस्ट बस ऑफ एशिया, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी बस मैंने नेपाल या बांग्लादेश में कभी नहीं देखी। इंडोनेशिया में भी इनफैक्ट इतना अच्छा बस नहीं है। तो मैं हॉस्टल से जो है जस्ट सामान लेके निकला, एंड बस हमारी डिपार्ट करेगी टर्मिनल 2 से। बस टर्मिनल से यहाँ पे बस टर्मिनल 1, बस टर्मिनल 2। तो मेरे हॉस्टल से जो है टर्मिनल 2 थोड़ा सा दूर है, एंड टर्मिनल 1 जस्ट हॉस्टल के बगल में ही। बाकी बैंकॉक की जितनी भी बसेज हैं आपको टर्मिनल 2 से ही मिलेगी। टर्मिनल 1 से आपको लोकल आइलैंड जाने के लिए शेयर्ड ऑटो या फिर एयरपोर्ट जाने के लिए बसेस मिलती है। बाकी सी अगर आप बैंकॉक से फुकेत आना चाहते हैं, मैं आपको एक बस आज दिखा देता हूँ। एंड सी दिस इज द बस टर्मिनल 1। यहाँ से आपको वैसे कराबी जाने के लिए गाड़ी मिल जाएगी, एंड हार्ट आई करके एक जगह है HATYAI, वहाँ जाने के लिए भी आपको ऐसी बस मिलेगी। बाकी लेट्स हेड टू टर्मिनल 2। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं वैसे विथ सोमबैट टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये भी एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। मैंने आपको थाईलैंड सीरीज के एपिसोड 3 में दिखाया था नाखोचाई एयर की बस, बट आई थिंक उस बस से भी बेहतर आज हमारी बस होने वाली है। फेयर मैंने पे किया है अराउंड 1200 थाई बाट, यानी 2600-2700 रुपये मैंने पे किए फॉर अराउंड 900 किलोमीटर्स। साथ ही साथ इस वाले जर्नी में या तो बस के अंदर हमको खाना मिलेगा या फिर जस्ट ढाबे पे हम रुकेंगे, वहाँ पे हमारे लिए बुफे रहेगा। तो आई विल शो यू द मील एज वेल। एंड जब से मैंने प्लान किया था इस बस में ट्रैवल करने का, आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस डे। सवारी हमारी आ गई, मोर देन अ बस मैं कहूँगा कि आज हम ट्रक में जाने वाले हैं टर्मिनल 2। पहुंच गया हूँ बस टर्मिनल 2 पे। जो बस का फेयर था, एक्चुअली बस नहीं ट्रक ही बोलूँगा, वो था 15 baht, एंड इट टेक्स अराउंड 20 minutes ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। तो गाइज बोर्डिंग पास मैंने ले लिया है, एंड सी द बस स्टैंड। बस स्टैंड इज़ गुड, एंड जो लॉन्ग रूट्स है उनकी बसेज आपको यहीं से मिलेगी। सी दिस इज़ ऑल्सो कंपनी फुकेत से बैंकॉक। इस वाली बस में जो है मैं बैंकॉक से कराबी आया था, तो अगर आपको कंसिडर करना है थोड़ा सस्ता बस, अराउंड आपका 600 baht में हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ द प्राइस। इनकी बसेज ऐसी होती है, दिखा देता हूँ मैं आपको। इनकी बसेज ऐसी हैं, बस है या वॉल्वो या मर्सिडीज़ की, एंड ये जो एक डबल डेकर बस है। तो इन जैसी इकोनॉमी बसेस की कॉस्ट आपको पड़ जाती है 600 और 650 थाई बाट, बट मेरी जो बस है उसकी कॉस्ट है 1112 2700 रुपये। वैसे गाइस बस हमारी है शाम के 3:40 पे, अभी 1 घंटा है ऑलमोस्ट। एंड सी मैंने यहाँ पे पानी का बोतल ले लिया है। यहाँ पे पानी का रेट आपको बता देता हूँ, अगर आप 7-Eleven शॉप से लेते हैं तो एक 600 ml की बोतल आपको पड़ती है 6 या 7 थाई बाट का, और अगर आप बस स्टैंड वगैरह मिलेंगे तो ये लोग 10 रुपये वाली ही रखते हैं 10 थाई बाट के लिए। और मेरे पास है अभी 1500 ml की बोतल, यानी 1.5 लीटर की, ये जो है ये है 20 थाई बाट, यानी इंडियन रुपीज़ अराउंड 47-48। वैसे गाइज यहाँ की करेंसी भी देख लीजिए, मेरे पास एक 100 थाई बाट का नोट है और एक 20 थाई बाट का नोट है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ के जो है राजा हैं, और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एंड इनके कॉइन्स भी देख लीजिए, मेरे पास ये 1 का और 5 का कॉइन है। गाइज बस हमारी आ चुकी है डिपार्चर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 27। ये देख सकते हैं कि एक मल्टी एक्सल बस है स्कैनिया की, तो स्कैनिया मल्टी एक्सल बस में आज हम ट्रैवल करेंगे। मैंने यहाँ पे आने के बाद आपको मर्सिडीज वॉल्वो स्कैनिया तीनों दिखा दी, तो कोई कंप्लेंट नहीं होगा कि आप वैरायटी नहीं दिखा रहे। दिस इज सुप्रीम क्लास सोमबैट टूर्स जिससे आज हम ट्रैवल करें, उनके पास बहुत सारी क्लास है, सुप्रीम क्लास है, सुपर क्लास है, फिर नॉर्मल क्लास है, तो मतलब समझ आए कि आज हम टॉप वाले में ट्रैवल कर रहे हैं।
एंड दिस इज अ फर्स्ट क्लास बस. तो गाइस ये है इंटीरियर एंड दिस बस इज ऑफ स्कैनिया. ओके थैंक यू सर. जस्ट सी द इंटीरियर गाइस, दिस इज 1:1 एंड लास्ट में आपके लिए एक वॉशरूम है. एंड गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास सीट्स होती है उनसे भी अच्छी है. तो एक बार गाइस मैं आपको एमिनिटीज सारे दिखा देता हूँ. दिस इज अ ब्लैंकेट एंड सील्ड पैक में मिलता है यहाँ पे, मतलब फॉर ईच एंड एवरी ट्रिप इट इज़ वॉश्ड. यहाँ पे सीट पे सीट बेल्ट है. आपके लिए कुछ स्नैक्स है, बेसिकली दो टाइप के वेफर्स हैं एंड एक जो है बिस्किट है. एक यहाँ पे आपको दिया गया है वाटर बॉटल. एंड जो सीट के कंट्रोल्स है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, ये मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में. एंड सी लेग रूम भी अच्छा खासा है, प्लस यू हैव अ टीवी हियर. एंड जो टीवी है जर्नी चालू होने के बाद देखते हैं. फिलहाल यहाँ पे देखिए आपके लिए एसी के वेंट्स है एंड रीडिंग लैंप्स है, कर्टन्स वगैरह है अगर आपको चाहिए. प्लस आई मीन दिस इज़ नो लेस देन एन एयरप्लेन बिजनेस क्लास सीट. एक यहाँ पे रीडिंग लैम्प एक्स्ट्रा भी है. जस्ट मतलब सी द स्टाइल, इस तरह का आपने बस में कभी नहीं देखा होगा, सिर्फ फ्लाइट्स में देखा होगा. एंड लेट्स सी, ये देखिए रात को समझ आएगा एक्चुअली. एंड यहाँ पे आपके लिए कुछ सामान होल्डर वगैरह है. वैसे कितना सब जगह है कि आप कहीं पे भी सामान डाल दोगे. प्लस ऊपर जो है आपके लिए सामान के लिए रैक्स तो है ही. यू हैव टू बिलीव मी गाइज, दिस इज़ अ बस. सीट कम्फर्ट की बात करें, मेरा दिमाग उड़ चुका है एकदम. इतना अच्छा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. ये जो मैंने एपिसोड 3 में देखा है उससे बहुत अच्छा है. एंड कंट्रोल्स आपको दिखा देता हूँ. कंट्रोल्स आर हियर. ये वाला जो है ये है सीट, मतलब रिक्लाइन करने के लिए. सो आप समझ गए होंगे. एंड ये वाला जो है ये है लेगरेस्ट के लिए. प्लस दिस इज फॉर द रीडिंग लैम्प. रीडिंग लैम्प कितना सेक्सी है ना, ये रात में ही पता चलेगा, अभी दिन के टाइम पता नहीं चलेगा जब पूरे बस में अंधेरा हो जाएगा. एंड अगर आपको कोई बुक वगैरह पढ़नी है, देखना क्या फील आएगा. मेरे जैसे बंदे जो पढ़ते नहीं है ना, उनको भी ऐसा लैम्प दे देना तो वो भी कुछ भी उठा के पढ़ने लग जाए. तो गाइस टाइम इज 3:30 एंड वी आर डिपार्टिंग राइट नाउ. बाकी यार फ्लाइट की बिजनेस क्लास में कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया, बट मैंने सिर्फ 2600 रुपये दे के आज मैंने फ्लाइट का बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस कर लिया. सी यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल्स है अगर आपको बस स्टैंड में कुछ खाना है. तो जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो है 900 किलोमीटर्स. रूट होगा वाया सूरत थानी. रोड मैं अच्छे से आपको नहीं दिखाऊंगा आज क्योंकि रात हो जाएगी थोड़ी देर में. उसके लिए मैंने एक अलग सी जर्नी प्लान करी है फ्रॉम सूरत थानी टू बैंकॉक इन डबल डेकर बस. वो आप थाईलैंड सीरीज़ के एपिसोड नंबर शायद 11 या 12 में देखेंगे. पैसे मेरे खत्म हो गए बट थाईलैंड सीरीज सिर्फ आधा ही हुआ है. एंड दैट्स इट. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो. एंड रिमेंबर, आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है. आई फील वेरी हैप्पी. तो आपको बताएं आपको क्या करना है. इन बस एंटरटेनमेंट है एंड यहाँ पे मूवी है, टीवी है, रेडियो है, म्यूजिक है, गेम है, नेट है, फोटोज़ है. एंड ये शायद बस का प्रोमो होगा. तो अपन स्टार्ट करते हैं मूवी से. एंड सी यहाँ पे बहुत तरह की मूवीज़ हैं. आई थिंक हिंदी मूवी तो कोई नहीं होगा ऑब्वियसली. तो गाइस अभी मूवी वूवी चल रही है एंड एक्चुअली मुझे उनसे हेडफोन लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे ईयरफोन का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है. मैंने इस कई रोड साइड से ख़रीदा था. तो अगर वो हेडफोन देते तो ये वाली मूवी मैं देखूंगा. ये है द सीक्रेट लाइफ ऑफ एनिमल्स. एंड बाकी थाई मूवीज़ है एंड इंग्लिश मूवीज़ है. साथ ही साथ आपको थाईलैंड में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं उनकी फ़ोटोज़ मिल जाएगी, तो आप बैठे बैठे एक्सप्लोर कर सकते हैं. Guys, in the meantime, let's check out this chocolate. हमारे जो मोनाको बिस्कुट्स होते हैं ना, ऐसा लग रहा है उस पर किसने चॉकलेट लगा दिया है. नॉट गुड.
सारासिन ब्रिज, फुकेट डिस्ट्रिक्ट हमने छोड़ दिया है। अभी हम आ गए हैं फुनांग नगा पे। बाकी मैंने पूछा भैया से कि थोड़ी देर बैठने दे तो केबिन में, दो ही मिनट बोला, फिर भी जो है मना कर दिया है। उनको जो इंग्लिश विंग्लिश नहीं आती तो मैं समझा नहीं पा रहा उनको कि क्या पर्पज़ है मेरा, बोल रहा हूँ वीडियो दो ही मिनट ऐसे समझाया, उन्होंने जो है मना कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली शायद इस जर्नी में आपको केबिन राइड्स नहीं दिखा पाऊँ। यार बहुत ही बुरा लगता है यार, दो मिनट अगर मैं बैठ जाऊँगा केबिन में क्या नुकसान होगा आपका, एंड इनडायरेक्टली मेरे व्लॉग के थ्रू आपको पैसेंजर्स मिल रहे हैं, आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं, तो इतना तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना मुझे, मतलब हद यार। जो भी है, हमने अभी तक इस बस का वॉशरूम नहीं देखा, तो चलते हैं अपन वॉशरूम देखते हैं। वैसे ही यहाँ पे एंड में एक वॉशरूम है, लाइट तो बहुत ही कम है। अच्छा सिस्टम जो इसमें फ्लाइट वाला है, लॉक करते ही जो है लाइट चालू हो जाती है, सो इट्स गुड। यहाँ पे भी दो एसी के वेंट्स हैं, एसी इज़ वेरी पावरफुल। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक वॉश मशीन, एक यहाँ पे दे रखा है। भाई सोप का सिस्टम क्या है, अलग सा है, ये तो जुगाड़ है जुगाड़। एंड यहाँ पे जो है एक मिरर है। गाइज अभी हम पिकअप करने जा रहे हैं फ्लांग नंगा बस टर्मिनस पे, एंड दिस सीनरी इज सो अमेजिंग। ये देख के मेरे को खुशी नहीं हो रही, ये देख के मेरे को दुख हो रहा है, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा आगे से कैबिन से। एंड मेरे चैनल का जॉनर आपको पता है कि बस से रिलेटेड है, तो अगर मैं यहाँ पे विंडो से आपको क्लिप दिखाऊँ तो वो अच्छा नहीं रहेगा। एंड जस्ट सी यहाँ पे ना बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ है उस साइड, इस साइड। ये जो गाड़ी है ना, ये जा रही है फुकेट से आपका कराबी, तो यहाँ पे स्टॉप लेके जाती है। एंड गाइज दिस इज़ द बस स्टैंड ऑफ फुनांग नगा, या हाँ जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका। शाम हो रही है एंड हाँ यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका हूँ, एसी ने भी एकदम चिल कर रखा है, तो मैं ब्लैंकेट लेके बैठ गया हूँ। जो इनका टीवी है ना वो इतना अच्छा नहीं है, ना तो उसमें अच्छे मूवी के ऑप्शन है, और सॉन्ग्स वगैरह जो है वो भी अच्छे नहीं लग रहे मेरे को, काफ़ी लिमिटेड है। उस वाले बस में नाकोचा एयर में उसका टीवी बहुत अच्छा था, उसमें मूवीज़ वगैरह थे, फिर उसमें गेम्स वगैरह था, जैसे एंग्री बर्ड हो गया या हिल क्लाइंब रेसिंग हो गया, उसमें गेम्स थे। एंड इसमें मूवीज़ भी आई थिंक हार्डली 5 या 10 होंगे, एंड हेडफोन भी इन्होंने नहीं दिया, प्लस म्यूज़िक भी इसमें काफ़ी जो है लिमिटेड है। दूसरी बात है कि मेरे को पता भी नहीं चल रहा मैं कौन सा सॉन्ग बजा रहा हूँ उसी, यहाँ पे तो इंग्लिश ही है बट यहाँ पे जो भी है ना सब उन्होंने थाई में कर रखा है, तो मूवीज़ का नाम ये सब तो थाई में आ रहा है, तो हमें समझेगा कैसे भाई कौन सा प्ले करना है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, वी आर क्रॉसिंग सूरत थानी, एक्चुअली जो है बाईपास से जा रहे हैं। एंड कैबिन राइड तो हो नहीं पा रहा, अभी मैं हिमबस की वीडियो देख रहा था, यानी बस में बैठ के भी मैं बस की व्लॉग देख रहा हूँ। एंड आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैनल्स हिमबस, दे आर डूइंग अमेजिंग। एंड आई होप कि हम रात को ब्रेक यहाँ पे कहीं लेंगे, रात को है ना 11:15 बजे। गाइज रात के 10:15 हो रहे हैं, हम पहुंच गए हैं खाओ पाओ, पता नहीं यहाँ पे क्या तो कर रहे हैं, एंड 10:15 हो गए, अभी तक डिनर ब्रेक नहीं दिया इन्होंने।
फाइनली गाइस फाइनली। एंड फिलहाल बस के लाइट्स ऑन हुए हैं तो लाइट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सी इस साइड में जो है ऐसे छोटे छोटे लाइट्स है एंड बाकी लाइट्स देख लीजिए, लाइट्स काफ़ी अच्छे हैं एक्चुअली यार, शाम को ऑन कर देते तो अच्छा लगता। एंड सी रेस्ट स्टॉप हमारा वही है जिसमें हम कराबी जाते टाइम आए थे। एंड एक चीज़ अभी भी कन्फर्म नहीं कि खाना जो बुफे है वो देंगे या फिर हमको पे करके नॉर्मल लेना पड़ेगा। लेट्स चेक आउट। रात के 11:25 हो रहे हैं, हम पहुँचे हैं खून तौन रेस्टोरेंट पे। ये आ गया आपका थप सकाई डिस्ट्रिक्ट में, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 550 किलोमीटर। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे बारिश आना चालू हो गया। फूड कूपन से इन्होंने कुछ दिया नहीं है ऐसा, जैसा कुछ नहीं दिया जिससे मेरे को पता लगे कि हाँ भाई हमें बुफे ये लोग ही दे रहे हैं। क्योंकि जितना मैं व्लॉग देख के आया था इस वाली बस का, सब लोगों ने जो है यही बताया था कि भाई खाना वाना जो ये लोग देते हैं, ये लोग आपको फूड कूपन देते हैं जिससे आप बुफे खा सकते हैं। एंड डिनर ब्रेक देने में भी इन्होंने फिर से बहुत ज़्यादा देरी कर दी। थाईलैंड के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बताऊंगा लेकिन खाने के बाद। फिलहाल मैं बता दूं कि सर्विस इज़ नॉट दैट गुड। सबसे पहले देखिए कि हेडफोन कुछ नहीं दिया गया, दूसरा वो बंदा एक बार भी नहीं आया और उसने ये नहीं बताया कि कुछ चाहिए होगा तो मेरे को बताना। जैसे नाकोचा एयर में वो बस होस्टेस बहुत ध्यान रख रही थी हमारा। तीसरा, बस की कंडीशन अगर आपको पता चल गई होगी अब तक, थोड़ी सी जो है रफ एंड टफ है, मतलब इतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर रखा। बस इस कंफर्टेबल जरूर से जरूर कंफर्टेबल है बट राइड क्वालिटी मतलब क्या कि हाईवे का दोस्त तो है नहीं, क्योंकि मैं इसी हाईवे से गया हूँ तो बस जो है इतनी स्मूथ राइड नहीं दे रही। सस्पेंशन वगैरह आई थिंक खराब हो गए होंगे। फिर बाकी मूवीज वूवीज की चॉइस इतनी अच्छी नहीं है तो वो जो टीवी है वो भी मतलब ऐसा बेकार सा ही लग रहा है मेरे को तो अब लग रहा है। एंड एट द लास्ट अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं तो देखिए आपको दूर दूर बैठना पड़ेगा, बस इतना है। चलते हैं बट प्रॉब्ली अगर खरीद के खाना पड़ेगा तो मैं वही खाऊंगा, चिकन एंड राइस जो मैंने खाया था, क्योंकि बाकी सब थोड़े नूडल्स टाइप के या फिर पोर्क है बीफ है तो ये सब तो अवॉइड ही करेंगे। एंड गाइज यहाँ पे आप सोमबैट की बसेस गिनिए, 1, 2, 3, ये है 4 और वहाँ पे लास्ट में है 5, तो देख सकते हैं सोमबैट टूर्स का भी यहाँ पे बहुत नाम है। तो गाइज बेसिकली फूड कोर्ट टाइप का है, यहाँ पे आपके लिए कुछ ड्रिंक्स के ऑप्शन है, मतलब ड्रिंक्स मतलब चाय कॉफ़ी एंड सम जूसेस स्नैक्स। यहाँ पे रोटी तो लिखा हुआ है लेकिन इनकी रोटी बहुत अलग है। फिर यहाँ पे भी कुछ कुछ है हलाल लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे नूडल है, यहाँ पे चिकन ओवर राइस है, यहाँ पे है नूडल्स विथ फिश बॉल एंड बाकी वहाँ पे भी सब ये सब आइटम्स है, राइस एंड करी एंड बाकी ड्राइड फिश मौसू फिर सलाद वगैरह ये सब। तो अपन अपने वही हेड करेंगे चिकन विथ ओवर राइस। तो गाइज वेरी गुड न्यूज़, एक्चुअली फूड इंक्लूडेड है टिकट में। एंड द थिंग इज कि गाइड ने बताया नहीं हमें, मतलब बस के अंदर कोई कूपन नहीं मिला लेकिन जैसे मैंने बोर्डिंग पास दिया काउंटर पे तो उन्होंने जो है फट से कूपन दे दिया और बोला कि जो भी काउंटर पे जाओ सिर्फ एक ही काउंटर पे जा सकते हो और खाना ले सकते हो। बस आई थिंक इंग्लिश अगर थाई में अनाउंसमेंट करो तो हमें कैसे समझ में आएगी, इंग्लिश में कर दो कि आपके टिकट में बोर्ड जो है इंक्लूडेड है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आएगा जिसको पता नहीं होगा वो तो यार पैसे दे के खाना खरीदेगा ना यार। तो गाइस जो सोमबैट टूर्स में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स है, भले वो सूरत थानी हो, फुकेत हो या हाथाई हो, जो जो भी बसें रुकी है सबके पैसेंजर जाके अपना फ्री खाना ले रहे हैं तो हमने भी ले लिया। बट एक चीज़ अभी मेरे को पता नहीं लग रही वो है कि जब मैं कराबी जा रहा था तब खाना फ्री था कि या मैंने फालतू में पैसे दे दिए। यहाँ पे थोड़ा सा राइस दिया है, ऊपर जो है आपका फ्राइड चिकन है एंड यहाँ पे 2 खीरे के पीस। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि खाना बहुत कुछ दे रहे हैं पर आई थिंक जितना दे रहे उससे काम चल जाएगा। ऑनेस्टली बताओ गाइस आपको लग रहा होगा कि यार कैसे सूखे चावल के साथ फ्राइड चिकन खा रहा है, बट ठीक है यार पेट भर रहा है एंड इसका टेस्ट अच्छा ही है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। यहाँ पे KFC में भी ऐसा सब खाना मिलता है कि एक राइस दे दिया थोड़ा सा, उसके ऊपर फ्राइड चिकन डाल दिया एंड राइस इज प्लेन राइस। अरे यार अनाउंसमेंट कर ही जा रही है वो यार समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। तो गाइस खाना वगैरह मैं खा लेता हूँ, इसके बाद या तो मैं आइसक्रीम या जूस कुछ तो लूँगा, फिर आपसे करनी है बहुत सारी बातें थाईलैंड के बारे में। खाना पीना हो गया एंड क्वांटिटी ऑब्वियसली काफ़ी कमी है बट ठीक है, ऑलरेडी रात के 12 बजने वाले हैं अभी तो इतना ज़्यादा खा के कुछ करना नहीं है। वैसे भी मेरे को जर्नी कंटिन्यू करना है, इसके बाद मेरे को 2 और ब्लॉग बनाने हैं। नेक्स्ट ब्लॉग बनाना है मेरे को बैंकॉक से पटाया एंड उसके बाद पटाया से बैंकॉक एंड आई हैव 1 ऑरेंज जूस, ये है 20 थाई भाट का। बाकी सी द रेस्ट स्टॉप इज अमेजिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड अभी जो चिकन राइस वाला काउंटर है उस पर लाइन लग गया है, पीपल आर वेटिंग इन क्यू। एंड मेरे को ये लग रहा है कि जो अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा है ना वो यही बोल रहे हैं कि जो VIP क्लास के पैसेंजर्स हैं वो प्लीज़ अपना बोर्डिंग पास लेके आ जाओ तो हम आपको फूड दे देंगे, हो सकता ही है मुझे पता नहीं है। तो थाईलैंड के बारे में कुछ बातें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी बस रूट्स हैं उनमें रास्ते में कहीं ना कहीं चेक पॉइंट्स बने हुए रहते हैं, वहाँ पे बस जाती ही जाती है। बस में ड्राइवर के अलावा जो रहता है वो उतरता है, अपना पैसेंजर लिस्ट वहाँ पे वो ऑफिसर्स को देता है, फिर बस को क्लियर किया जाता है आगे जाने के लिए।
एंड हाईवे से वैसे निकल तो जा सकते, कोई रोकता नहीं है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि आपको जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वही चेक पॉइंट पे अपन रुके थे थोड़ी देर पहले। सेकंड थिंग, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर बस की स्पीड 90 पे लॉक किया गया है, लेकिन कुछ कंपनीज ने इंस्ट्रक्शन दिया ड्राइवर को कि आप 70 के ऊपर मत चलाओ। जैसे हमारी जो बस थी ना कराबी वाली, वो कंपनी 70 से ऊपर नहीं जाती। मैंने उनकी बसेस देखी फुकेट से बैंकॉक वाली, वो भी धीरे धीरे आ रही थी हाईवे पे, मैंने स्पॉट किया तो मेरे को आइडिया लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पे 95% ऑफ द बसेज में आपको वॉशरूम मिल जाता है, क्योंकि बसेज एक बार में जो है काफ़ी लंबा डिस्टेंस चल जाती है बिना रुके हुए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12-13 घंटे की जर्नी में जो है हम एक ही स्टॉप ले रहे हैं, वो भी 7 घंटे नॉन स्टॉप चल के। एक और चीज़ जो मेरे को लगी, मेरे को लगा कि हाईवे पे जो पर्सनल गाड़ी है ना, जैसे मान लो कोई गाड़ी से घूमने वूमने जा रहा है, वो लोग बहुत ही कम है। पीपल आर यूजिंग बस, ट्रेन्स और फ्लाइट्स, क्योंकि गाड़ियाँ मुझे बहुत ही रेयरली दिख रही है। मैंने दिन में भी जर्नी किया चियंग माई का, उस रूट में भी मेरे को गाड़ियाँ बहुत कम देखी, इस रूट पर तो गाड़ियाँ एकदम ना के बराबर है। तो अगर पीपल आर प्रेफरिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, इट्स वेल एंड गुड। एंड मोस्ट ऑफ द बसेस स्कैनिया की हो सकती है, मर्सिडीज की हो सकती है, वॉल्वो की हो सकती है, इसके अलावा मैंने और कोई ब्रांड्स का नहीं देखा। बेटर है कि बस के पास चले जाओ, एटलीस्ट अगर बस निकल जाएगी तो पता तो चलेगा। एंड एक और चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं फ्रंट लाइन पे, वो ज़्यादा काम करती है। एंड इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मैंने लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा देखा है, मेट्रो वगैरह में मुझे पता नहीं क्यों। इनफैक्ट अगर आप बैंकॉक सिटी में बस के कंडक्टर्स देखेंगे, आप देखेंगे कि ज़्यादातर, मतलब 80-90% जो है लड़कियाँ हैं। आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है, बट वही है, अभी फ़िलहाल रात की जर्नी है एंड कैबिन में वो लोग अलाउ नहीं कर रहे, तो आपको अनफॉर्चुनेटली फिर से जर्नी नहीं दिखा पाऊँगा, वेरी सॉरी। मिलता हूँ सीधा बैंकॉक में, मुझे एक अच्छी रेस्ट चाहिए, क्योंकि मुझे आगे आपके लिए 2 व्लॉग और करने कल, वो भी कंटिन्यूस विदाउट एनी हॉल्ट। एंड रात के 12 बज रहे हैं, वी हैव डिपार्टेड आवर होटल। तो गाइस, गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 4:15 बजे हम पहुंच गए हैं साईताई माई बस टर्मिनस में। ये साउदर्न बस टर्मिनस है। अभी बस बोल रहे हैं कि मोचित भी जाएगी, तो मैं मोचित ही उतरूंगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग मुझे पटाया जाना है एंड वो बस जो है मोचित से ही चलती है। एंड 4:25 का टाइम था, 4:15 बजे आए, 10 मिनट बिफोर टाइम। बाकी मैं चलता हूँ मोचित, देखता हूँ अगर फ्रेश व्रेश होने के लिए वॉशरूम वगैरह है, एंड स्टार्ट करता हूँ अपनी नेक्स्ट जर्नी। कहीं देखो, ये है वही नाकोचा एयर वाला बस टर्मिनस, वो वाला व्लॉग ज़रूर देखना, उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। मतलब सी, इनके बस भले ही कम्फर्टेबल हो, लेकिन सर्विस में कुछ कुछ लॉस है। अभी आप सोचो 500-600 भाट जो लेते थे फेयर बस वाले, उन्होंने भी सुबह सुबह वेट वाइब्स दिए थे, जिससे कि पैसेंजर उतरने से पहले फ्रेश फील करे, बट इन्होंने जो है वैसा कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने आके कुछ पूछा भी नहीं, कुछ दिया भी नहीं। बाकी अगर कम्फर्ट की बात करें, मुझे पता नहीं रात के 4 घंटे कैसे निकल गए, बट सी द बस इज़ वाइब्रेटिंग, क्योंकि भाई वो लोग अच्छे से मेंटेन नहीं करते। अगेन आप देख सकते हैं, गाइस सुबह के बज रहे हैं 4:45। हम पहुंच गए हैं मोचित बस टर्मिनस। इसका जो ड्रॉपिंग पॉइंट है ना, वो काफ़ी ख़राब सा है। ड्रॉपिंग पॉइंट पिछले साइड है, और जो भी टिकट काउंटर से और एंट्री गेट है बस के लिए, वो एकदम आगे की ओर है। तो एकदम साइड साइड से रोड बना हुआ है, उसमें से हम जाएंगे। एंड इट वॉज़ ए गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल, बस कुछ चीज़ें था जो मैंने आपको बता दिया। एंड सी, दैट वॉज सोमबैक टूर। बस बहुत ही कम्फर्टेबल है, प्लस यू कैन सी अदर्स एज वेल। ये बस जो है ना, ये शायद किसकी है, ये बैंकॉक बस लाइन्स की है। ये बस मैं आपको दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा मैं सूरत थानी से बैंकॉक, वो भी डे जर्नी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें कैबिन ही नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप मेरे से पूछो कि मेरे को नाकोचा एयर पसंद आया कि मेरे को ये सोमबैट पसंद आया, कम्फर्ट इसका अच्छा है, सर्विस उसका अच्छा है। अगर आपको चियंग माई जाना है तो दोनों की सर्विसेज अवेलेबल है। आपने मेरा दोनों व्लॉग देखा हुआ तो आपको पता है आपको कौन सी बस लेनी है। तो जो रास्ता है ना बस स्टैंड जाने का, वो साइड साइड से है। एंड गाइस, अभी तक सनराइज नहीं हुआ है, सुबह के 5 बज गए। देखते हैं व्हाट कैन वी डू। मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।